पीएचडी रितु सिंह के मुताबिक दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ न्याय पाने की मुहिम में निराशा हाथ लगने के बाद उन्होंने अब आर्ट फैकल्टी के सामने पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने दौलत राम कॉलेज में उत्पीड़न के खिलाफ लंबे समय तक आवाज उठाई पर कोई सुनवाई नहीं होने पर यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता तब तक पकौड़े बेचने का काम करेंगे। हालांकि पिछले चार दिनों से वो अपना स्टॉल कांग्रेस दफ्तर के पास लगा रही हैं, जिसकी वजह भी उन्होंने बताई है। हमें तो साथ चाहिए जी, सपोर्ट चाहिए अपने उन लोगों का। एटलीस्ट हमें ये लगा कि शायद इनकी जमीर जिंदा हो, ये हमारा दर्द देखे युवाओं का जो बेरोजगारी इतनी बड़ी है, जिस तरीके से पकौड़े बेचने पे रोजगार करने पे भी निकाला जा रहा है, FIR की जा रही है। तो हम लोग तो ये सोच के आए कि अब हम जितने भी विपक्षी दल हैं उनसे सपोर्ट मांगेंगे और उनके पास जाएंगे कि देखो हमारी क्या स्थिति आ गई, कोई बोलेगा हमारे लिए, कोई सपोर्ट करेगा हमारे लिए, डंडे मारेंगे तो भी आ जाएंगे। अगर ये लोग हमें आने नहीं देते, ये लोग हमें आने नहीं देते तो भी हम आ जाते। इन लोगों ने आने दिया, इनका शुक्रिया अदा और सपोर्ट किया। आप देख ही सकते हैं कितने लोग पकौड़े खरीदने के लिए तैयार हैं। हमारे तो रोजगार की बात है भाई साहब, कुछ बचा नहीं हमारे पास, तो इसलिए अभी तक तो उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिखाया है। पकौड़े लिए हमारे, अपने तो दरवाजे खोल दिए, देखिए हम उनके अंदर खड़े हैं। हमें तो लगा था हम बाहर आएंगे, बाहर से पकौड़े बेच के जाएंगे, बट आई एम ग्लैड अमेज्ड कि उन्होंने दरवाजे खोल के बोला कि बहन जी आप अंदर लगाइए, अंदर आइए। तो इट्स अ गुड जेस्चर कि अभी हमें लग रहा है कि हम युवाओं के लिए एक उम्मीद नजर आई। हमें लग नहीं रहा था कि ऐसा रिस्पॉन्स देंगे, हमें लग नहीं रहा था कि ऐसा लिटरली, लेकिन ये रिस्पॉन्स जो मिला है एक उम्मीद की किरण जागी है कि अगर इसी तरीके से ये लोग युवाओं का साथ दें तो मुझे लगता है कि देश में क्रांति आ सकती है। देश में ये आज चौथा दिन। DU की पूर्व प्रोफेसर को स्टॉल लगाकर पकौड़े तलते और बेचते हुए देख लोग हैरान हैं। लोग मोबाइल से वीडियो फोटो सेल्फी भी लेने लगे हैं, साथ ही स्टॉल पर लिखा मेन्यू भी लोगों को आकर्षित कर रहा है।